जो रिलेशंस जी, जैसे आपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में देखा, अमेरिका और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है. हमने कुछ ऐलान किया जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांजिशन के बारे में. हमारे DFC की तरफ से $8 बिलियन दे देंगे और इंडियन सरकार भी अपने तरफ से इतना ही पैसे दे देंगे. हम स्टूडेंट मोबिलिटी के बारे में अलग अलग पार्टनरशिप्स अनाउंस किया, जो जिसके तहत अमेरिका और इंडियन एकेडेमिया एक साथ भी धावन कर सकते हैं. कितनी महत्वपूर्ण है ये विजिट होगी, ये जो इनवाइट है, आपके हिसाब से ग्रुपिंग के बारे में? मैं व्हाइट हाउस से पहले ऐलान नहीं कर सकूंगी, लेकिन इतना ही कह सकती हूँ कि हम क्वाड का ग्रुपिंग बहुत अहम समझते हैं और हम इंडिया के साथ हमारे नेताओं के मीटिंग्स मुलाकात होती रहती है. जनवरी में जो दिया गया है प्रेसिडेंट बाइडेन का, ये क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ महीने बाद फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इन्विटेशन दिया है उसके हिसाब से इंडिया तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं राष्ट्रपति से पहले कोई फैसला ऐलान नहीं कर सकती. EU में एक्सपेंशन भी अब G20 को कितना महत्वपूर्ण है? ये तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है कि अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर बनेंगे. अमेरिका पहले से ही उनका मेंबरशिप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये G20 दुनिया के प्रीमियर फोरम, ऐसे दुनिया के सबसे बड़े इक्तिसादी मसला हल करने के लिए, और हम इसलिए G20 2026 में खुद मेजबानी करना चाहते हैं. हाँ, हम देखते हैं कि हमारे नेताओं के बीच में एक बहुत वार्म रिलेशनशिप है, और ये तो हमारे लोगों के बीच का एक सिंबल होते हैं, क्योंकि अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन्स, जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है. आज के लिए बहुत धन्यवाद.